आजकल यूपी में नौकरियों की बहार है। कहीं सरकारी नौकरियां के लिए पेपर हो रहे हैं तो कहीं प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मिलने लग रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सरकारी मानक है। अब आप पूछेंगे कैसा मानक? उसका जवाब है कि आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले होने चाहिए। दरअसल सरकार ने बीते एक महीने के अंदर 3 जगह रोजगार मेले लगवाए। सभी मेले उस इलाके में लगे जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें मिल्कपुर, कटेरिया और मीरापुर शामिल हैं। अब 27 अगस्त को मैनपुरी के करहल में, 28 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में और 1 सितंबर को मिर्ज़ापुर के मंजवा और 2 सितंबर को मुरादाबाद के कुंदरकी में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का दावा है कि करल और मंजवा में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि खैर के कुंदकी में 10,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इन रोजगार मेलों में 50 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बाद हाथों हाथ जॉब ऑफर कर देंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को प्राइवेट नौकरियां बांटने का दाव क्यों चलना पड़ा? इस सवाल का जवाब है लोकसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। जिस यूपी में बीजेपी ने अपने 70 से अधिक सीट जीतने का दावा ठोक रही थी, वहीं पर उसे महज 36 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी के शर्मनाक प्रदर्शन के पीछे एक वजह बेरोजगारी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। यूपी में 38 लाख पंजीकृत बेरोजगार है। अपंजीकृत का आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो संख्या करोड़ों के पार पहुंच जाएगी। ऐसे में यूपी के लिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है, खास तौर पर उस वक्त जब सरकारी पद खाली पड़े हों और नियुक्ति ना निकल रही हो। अगर केवल शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ 50,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। बेरोजगारी का जवाब युवाओं ने बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव में दे दिया। अब लोकसभा चुनाव में युवाओं का बीजेपी से मोह भंग हुआ तो यूपी सरकार हरकत में आ गई है। आनन फानन में सभी विभागों को अपने यहाँ रिक्त पद भरने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से कराई गई। इसके साथ ही सरकार ने रोजगार मेले को आयोजन भी शुरू कर दिया। हालांकि रोजगार मेला अभी उन्हीं इलाकों में लगाए रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, यानी जहां पर बीजेपी की साख एक बार फिर दांव पर लगने वाली है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें अयोध्या की मिल्कपुर, अम्बेडकर नगर की कटहरी, मुजफ्फरनगर का मीरापुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्ज़ापुर की मंजवा सीट शामिल हैं। अभी तक सरकार ने 3 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए हैं और अगले हफ्ते 4 सीटों पर रोजगार मेले लग जाएंगे। इन रोजगार मेलों की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी ने 10 सीटों के उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और अब देखना यह है कि नौकरी वाला दांव भाजपा के लिए कितना हिट होता है और आने वाले उपचुनाव के चुनाव परिणाम की बताएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।